नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम उत्कर्ष रविंद्र वानखेड़े है। अच्छा। मैं नागपुर से आया हूँ। अच्छा। और मैं 18 साल का हूँ। म्यूजिक कब से सीख रहे हैं? सर मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ, मेरे पापा ही गुरु है मेरे। अच्छा, आज क्या गा रहे हो हमारे लिए? मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैम का, ओ रंगरेज। आहा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तैयार हो तो शुरू हो जाओ। यस सर। जलवा दिखा दिया, तब एक माहौल बना दिया आपने। इंडीड, मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक्चुअली पापा और मेरे दादाजी ने मतलब मिलके उन्होंने सॉन्ग सिलेक्ट किए जी। सो स्वीट। सो मैंने मेरे पापा का जो पसंदीदा गाना था वो तो मैंने अभी आपके सामने मतलब गा दिया। That is so sweet. मेरे दादाजी का भी एक बहुत फेवरेट गाना है, उसमें अगर मैं नहीं गाऊंगा तो नाराज हो जाएगी। एक सेकंड एक सेकंड, आपके आपके पिताजी और दादाजी आए हैं यहाँ पे जी, प्लीज बुलाइए। अब तो आपको दादाजी का दिल तो रखना ही है, तो आपको दो लाइन गानी पड़ेगी। हो जा। थ्री जनरेशन। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगी नजारा दे
कसम मेरे महबूब तुझे। वाह 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 वाह, वेरी गुड। उत्कर्ष, मम्मी जी क्यों नहीं आई? हमारी मम्मी यही है। मतलब? मतलब पूरा संभालता है ये। क्या बात, उत्कर्ष सबकी केयर करता है। सो स्वीट। खाना बनाने से लेके पूरा ध्यान रखता है वो। बहुत अच्छा बनाता है खाना। खाना अच्छा? बहुत अच्छा बनाता है। बहुत ही टेस्टी। बहुत कमाल की चीज हो आप। नमस्कार। हेलो। हेलो। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं महिमा भट्टाचार्य जी और मैं कोलकाता से आई हूँ। अरे आप तो भट्टाचार्य जी ही हैं। इधर भी बैठा हुआ है। महिमा में एक अपने आप में एक दुर्गा का एक रूप जैसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, है ना? बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छे से गाइए, सुनने के लिए हम रेडी हैं। आप शुरू हो जाइए। म्यूजिक सीखती है लड़की, ऐसा लग रहा है मुझे। भरपूर सीख के आई। भरपूर। ऑलरेडी मुश्किल गाने में अपनी चीजें तुमने और डाली हैं। वो अंतरे में मैं देख रही थी, अरे वो ऐसी ऐसी चीजें गाई तुमने, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जी ना, इनका टोनल क्वालिटी जो है एकदम ओपन ओपन, बहुत ओपन टोनल क्वालिटी है। थैंक यू सो मच। हां, बहुत ही स्वीट है ये जो गाना है। ये इसमें बंगाली वर्सन एक गाया आपने। की सुंदर, আমি কখনো শুনি নি কিন্তু বাংলা পার্ট। किसने गाया वो गाना? किसने गाई है? आशा भोसले जी ने गाया। आशा जी, अरे खूब सुंदर, ब्यूटीफुल। नमस्कार। 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 কেমন আছেন? হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, ভালো আছি। হ্যাঁ, গুড গুড। হাত ধরে আই ইউ, ইউ আর ডটার ওয়াজ সাপোর্টিং ইউ। আপ আপকি তবিয়ত ঠিক है? তবিয়ত मतलब कि हमारा आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब जो इसका कोई इलाज नहीं है, जो ऑप्टिकल नर्व है वो सूख रहा है। ओ। तो बोला आगे हम देख पाऊं कि ना पाऊं तो मालूम नहीं है। কাকু, এভাবে কাঁদবেন না। আপনারা আছেন সামনে, এই দেখে নিতে পারছি, এই জন্য আরো নিয়ে আস, যদি আগে যেতে পারে আপনাদের আশীর্বাদে। How did this happen? अभी मतलब what happened exactly? Actually डॉक्टर क्या कारण का कारण में ये हुआ वो बता नहीं सका है, बोले बहुत कारण से हो सकता है। आपको आप लोग को देख सकता हूँ लेकिन आप क्लियर नहीं। Vision is not clear.
आर यू वर्किंग, आप काम करते हैं कुछ? एक फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 का था उसमें छोड़ देना पड़ा हमको काम, पढ़ नहीं पाती ठीक से। वो क्या करता है ना, वो मोबाइल का फोटो उठा के काम करता था। अभी फैमिली में कोई मतलब पैसा कमाने वाला कोई नहीं है, तो बेटी गा रही है, लेकिन उसको हम बोला तुम गाते जा, सीखते जा, कोई कमी नहीं रहेगा उसमें, हम कुछ कम नहीं करेगा। ये तो बहुत ही गंभीर और कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ। हाँ। आपकी बेटी जो है उसकी आवाज में बहुत रोशनी है। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सुस्वरम अनिरुद्ध है सर। बहुत सुंदर नाम है सुस्वरम, कितना म्यूजिकल नाम है। सुस्वरम मतलब अच्छा सुर लगाने वाला। हाँ, सु मेरे को सिखा दे। सु सु स्वरम स्वरम जी सु स्वरम स्वरम वाह वाह ये बात है। ब्यूटीफुल। तुम कहाँ से आए? कर्नूल आंध्र प्रदेश से आया हूँ सर। गाइए प्लीज। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, साथिया तूने क्या किया, है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा, यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा, तुझको संभालू ये मेरा जिम्मा, मैं हूं तो क्या हम जाने अब जीना मरना मेरा, जानम तेरे हाथ है, मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है, तो फिर संभाल, ला 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 दिल ये चला, ला 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 जाना कहा, ला 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 दिल में ला 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 ला। साथिया तूने क्या किया,
है तुमसे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। अनिरुद्ध सर, आपकी आवाज में एसपीबी सर की जो यादें हैं वो सुनाई देती हैं। यू आर क्लियरली वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। मैं बचपन में एक रियलिटी शो किया था, उसका होस्ट था एसपीबी सर। अरे वाह। सो इट हैपेंड इन 2003 सर, तब से लेकर 2020 तक द रिलेशन विद सर वाज वेरी पर्सनल टू मी, बिकॉज आई थिंक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ मेंटर लाइक हिम ऑल थ्रू लास्ट 17 ईयर्स। एसपीपी सर के साथ आई हैव दैट इंटीमेसी दैट आई कुड मैसेज हिम पर्सनली ऑन फोन, कुछ रिकॉर्ड किया हो तो लाइक ही विल सेंड मी अ बिग वॉइस नोट ऑफ 1 मिनट सेइंग उसमें उनको क्या पसंद आया, क्या बात है यार, उनको क्या अच्छा नहीं लगा, मैं क्या इम्प्रूव करनी है। आपके पास उनका कोई वॉइस नोट है? वो तेलुगु में है सर, बट आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा बाद में। సరే నాయనా, నేను ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోయాను, నేను ఎక్కడికన్నా పెళ్లిలోకి దేనికి వెళ్ళినా కూడా నా వల్ల అందరికి ఇబ్బంది, అందరి వల్ల నాకు ఇబ్బంది. యూ సాంగ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. నేను బయలుదేరి వెళ్తుంటే నువ్వు పాట మొదలు పెట్టావు, అందుకనే ఆగాను నేను. అది కాసేపు విని వెళ్తే కాస్త మర్యాదగా ఉంటుంది, నాకు చెవికింపుగా ఉంటుంది అండి. ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. సో హీ వాజ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ సారీ ఐ కుడెంట్ సిట్ ఫర్ లాంగ్ బికాస్ ఎవ్రీవన్ వాజ్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ మీ ఫోటోస్. It would be a disrespectful for the musician on the stage if everyone was coming me and overshadowing your performances. So I had to leave, but you sang so beautifully. God bless you, and once again, sorry. Wow, what a man. बहुत fortunate रही हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, और इतनी मैं उनसे छोटी हूँ सिंगर और उम्र में भी, पर उन्होंने कभी ये मौका नहीं छोड़ा है टू प्रेज. उनका इतना बड़प्पन है कि उन्होंने हमेशा यंग आर्टिस्ट्स को उतना ही इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव दिया है. सुन रे अनिरुद्ध, आके ले जा गोल्डन टिकट. सर, आज मैं उन्हीं का सबसे फेवरेट गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर पेश कर रहा हूँ. बहुत फेवरेट गाना है. बहुत ऑल द बेस्ट. दादी जी, ये आपके लिए है आज. क्या बात, वेल डन. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो. एहसान तेरा होगा मुझ पर. तुमने हंसना सिखाया हो, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो. एहसान तेरा होगा मुझ पर. वाह 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 वाह.
मुझे बहुत अच्छा क्या लगा, आपने गाना शुरू तो किया, गाना मुखड़ा बहुत अच्छा जा रहा था, बट जहाँ पे वाह निकलती है ना वो है अंतरा जी। तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे। बहुत अच्छा। अब इसमें जो दिल, यहाँ दिल ऐसे ऐसे पूरा बाहर आ जाता है, ये लाइन है, रोने कहोगे तो रो देंगे हम। रफी साहब का जो वो मैजिक था ना, वो इधर था। उसके बाद मुर्की आ गई, एक कुछ एक इतनी खूबसूरत थी वो जिस चीज, आई वॉज लाइक वाओ। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने। तुम दादी को मिस तो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स सर, आज सबसे ज्यादा उन्हीं को मिस कर रहा हूँ। दो लाइन मैं तुम्हारे दादी के लिए और तुम्हारे लिए। प्लीज सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हाँ तुम देना साथ मेरा, गाओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह दादा, क्या बात है दादा। ये जो बात बिगड़ गई है ना, बिगड़ गई है, इसको आज आपके इस परफॉर्मेंस से बात बिगड़ी हुई बात सुलझ जाएगी। आप लोगों के आशीर्वाद से जरूर। आ जाओ ले जाओ टिकट। This was a hit से ज्यादा लिट फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।